हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको जेबी गुप्ता डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सोल्यूशन दे रही थी। तो ये उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने 1 से 29 तक पहली वीडियो में अपलोड कर दिया है, ये इसमें मैं 30 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 657। ये मेरा ऑक्टल में दिया हुआ है, 657, और ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑक्टल जो होता है वो 3 बिट का होता है। मीन्स सबको हम लोग इंडिविजुअल पहले लिख लेते हैं, मीन्स इसमें 3 बिट यूज होते हैं, 1, 2, 4। ऑक्टल में अगर 6 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1, 1, 0। 5 के लिए 1, 0, 1। 7 के लिए 1, 1। ठीक है, अभी सारे को हम एक में कर लेते हैं, तो 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1। और मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। और हेक्साडेसिमल कौन सा होता है, 4 बिट उसमें हम लोग लेते हैं। इसमें हम लोग 4-4 का पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ बनाते हैं। ये 4, ये 4, ये 1, और इसके आगे कुछ भी नहीं, तो आप खुद से 0 ऐड कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, जैसे 1, 2, 4, 8। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, ए। ये कितनी हो गई, 15। 15 को क्या लिखते हैं, एफ। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और सब्ट्रैक्ट करना है। आप एक बात ध्यान में रखो कि आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो तो उसके जो भी बेस है वो सेम होने चाहिए। तो ये तो मेरा है कि दोनों का बेस हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख रहे हो कि ऊपर में 4 है, नीचे में ए है। ए की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो 4 माइनस 10 करेंगे तो ये 4 में से 10 नहीं जाएगा। ठीक है, तो इधर से हम लोग एक बोरो लेंगे। तो जब भी बोरो एक लेते हैं तो इधर से तो एक लेते हैं, लेकिन जिसका बेस जितना होता है उतना ही ऐड होता है। तो 4 में कितनी ऐड हो जाएगी, 16 बेस है, तो 16 ऐड हो गई। अब ये ऐड करके इसमें से 10 को माइनस करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो ये आएगी कितनी, 10। 10 कितने होते हैं हेक्साडेसिमल में, ए के इक्वल, तो ए हो गया। फिर इधर से हमने एक बोरो ले लिया था, तो बचा कितना, 7। 7 माइनस 2, तो हो जाएगा ये 5। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बीसीडी कोड इज ए। ऐसा पूछ रहा है कि बीसीडी जो है वो कौन सा है। बीसीडी के लिए इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप दो चीजें को याद रखो, एक होती है वेटेड कोड, एक होती है वो वेटेड और दूसरी होती है अनवेटेड। वेटेड में आते हैं सबसे फर्स्ट बाइनरी, फिर आते हैं ऑक्टल, फिर आते हैं हेक्साडेसिमल, आते हैं डेसिमल, फिर बीसीडी। इतने सारे वेटेड में आते हैं, और अनवेटेड में आता है ग्रे। ग्रे कोड क्या है ये मैं बताऊंगी, और एक होती है ये XS3। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बीसीडी कोड इज। तो बीसीडी कोड क्या है मेरा, एक देखिए, जैसे कि बी सी डी कोड, फिर मैं बताती हूँ।
बीसीडी कोड में जो होता है इंडिविजुअल नंबर को 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, ये है 5, ठीक है, ये मेरा डेसिमल में है। अगर इसको मेरे को बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो जैसे कि इसमें एक इंडिविजुअल है तो इसको हम लोग 4 बिट में लिखेंगे, ये इंडिविजुअल है तो इसको भी 4 बिट में अलग अलग लिखेंगे। 4 बिट में आएगा क्या क्या बीसीडी में, 1, 2, 4, 8, ठीक है। 9 को लिखना है तो कौन कौन सा लेना पड़ेगा, एक इसको लेना पड़ेगा और इसको, इसकी वैल्यू दोनों की 0 रहेगी, यानी कि 1001। 5 लिखना है तो 0101। तो जो मेरा 59 है डेसिमल में, उसकी बीसीडी में वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये बीसीडी में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बीसीडी कोड इज, हाँ ये बीसीडी कोड एक तरह का क्या है, बाइनरी कोड ही है, क्योंकि इसमें सब कुछ सेम होता है, बस एक इंडिविजुअल को हम लोग 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिविजुअल नंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वैलिड बीसीडी कोड, कि इसमें नॉन नॉन वैलिड कौन है। तो बीसीडी में आप पहले देख लो कि बीसीडी में जो भी डिजिट होते हैं वो 0 से 9 तक ही वैलिड होते हैं, ठीक है, और उसके बाद अनवैलिड हो जाता है। तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसमें है कि ये देखते हैं कि बीसीडी में क्या होता है, 4 बिट का होता है, 1, 2, 4, 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो ये तो मेरा वैलिड है, ठीक है। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं, 0101, 1011, इसमें क्या है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 11। तो 11 तो मेरा 0 और 9 के बीच में आता ही नहीं है, मीन्स ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सी और डी ऑप्शन भी चेक कर रहे हैं ना, वो 0 और 9 के बीच में ही आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेट इन एन 8421 बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर। इसमें पूछ रहा है कि इनवैलिड कौन है, 8421, तो यही तो है मेरा बीसीडी, यानी कि बीसीडी में ही मेरा मेरा इनवैलिड पूछ रहा है। तो बीसीडी में हम लोग कितना से कितना तक रेंज लेते हैं, 0 से 9 तक। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं, ये है 1, तो ये कितना है 8 की वैल्यू है, ये है 1001, तो ये है 9 की वैल्यू, ये है, तो ये किसकी है 3 की वैल्यू है, ये है 12 की वैल्यू। तो 12 मेरा 0 से 9 के बीच में नहीं आता है, तो ये मेरा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीसीडी कोड फॉर अ डेसिमल नंबर, ये मेरा डेसिमल में दिया हुआ है, इसके लिए बीसीडी पूछ रहा है, ये तो बहुत इजी है, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसके लिए बीसीडी पूछ रहा है। तो बीसीडी के लिए मैंने बताया था कि जो भी इसके इंडिविजुअल जो डिजिट होते हैं वो 4 बिट लेते हैं, ठीक है। तो है तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो 4 बिट वो कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 4, 8। अभी 4 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सबकी 0 0। 7 लिखना है तो ये हो जाएगी, 8 लिखना है तो 1, ये सबकी वैल्यू 0 0 हो जाएगी। अगर आप ऑप्शन मैच करते हो तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द एक्सेस कोड इज ऑल्सो नोन एज, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि जो एक्सेस एक्सेस कोड होते हैं वो एक तरफ का अनवेटेड अनवेटेड कोड होते हैं, लेकिन अनवेटेड कोड तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखते हैं कि एक्सेस कोड, एक्सेस 3 जो होती है वो होती क्या है। तो मेनली जो एक्सेस 3 होती है वो मेरा एक्सेस 3, अगर मेरे को लिखना है
बीसीडी के वैल्यू में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो मेरा XS3 का वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो मेरा बीसीडी वैलिड कितना से कितना तक रहता है, मैंने अभी आपको बताया कि 0 से 9 तक ही बीसीडी वैलिड रहता है। तो जबकि मेरा XS3 भी बीसीडी से ही बना हुआ है, तो मेरा जो XS3 भी है वो कितना से कितना तक वैलिड रहेगा, ये भी रहेगा 0 से 9 तक ही वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे कुछ आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने पहले से लिए हुए हैं टेबल, तो आप लोग टेबल में देखिए कि डेसिमल वैल्यू में 0 है, डेसिमल में 0 वैल्यू है, तो बीसीडी बीसीडी में वो कितना हो जाएगा 1 2, आप अगर बीसीडी के फॉर्म में लिखो 1 2 4 8 के फॉर्म में, तो 0 0, और इसमें अगर +3 ऐड करेंगे तो मेरे को XS3 कोड मिलता है। वैसे ऐसे ही 1 की वैल्यू तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए है, ठीक है। अभी आप इसमें देख सकते हो कि ये आप ये 4 और 5 का वैल्यू देखो, कि ये 3 को देखो और ये 3 को देखो, एक दूसरे से इन्वर्टेड है कि नहीं। ये 1 है, 0 है, 1 0 1 0, यहाँ पे जब 0 है तो यहाँ पे 1 है। इसी तरीके से आप इस दोनों के देखो, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, 1 0 1 0, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1। इस तरीके से आप देखते जाओगे तो सारे में आपको यही मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऊपर से आओगे नीचे तक तो आपको सारे में यही मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग कोड है। कम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो इसी तरीके से XS3 जो है वो मेरा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन XS3 कोड अर्थमेटिक ऑपरेशन इज यूज टू परफॉर्म द, जो XS3 कोड होते हैं वो किस में परफॉर्म होते हैं। XS3 का भी हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि XS3 को क्या लिख सकते हैं, BCD+3। BCD के वैल्यू में 3 को ऐड करते हैं तो मेरे को XS3 मिलता है। तो यहाँ से अगर हम लोग BCD की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा XS3, और ये -3 मीन्स BCD सब्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन रिगार्ड टू XS3 कोड। ये XS3 के बारे में पूछ रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इट इज अ BCD कोड। तो हाँ, ये BCD कोड तो है क्योंकि ये BCD से बना हुआ है, तो इसमें भी BCD में भी 4 बिट होते हैं, इसमें भी 4 बिट होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही हो गया। इट इज एन अनवेटेड कोड, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ये अनवेटेड कोड होते हैं। अनवेटेड कोड में मैंने बताया था कि एक ग्रे कोड था और एक XS3 था। फिर तीसरा ऑप्शन है इट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, तो हाँ ये मैंने बताया कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होती है, मैंने 4 और 5 में बताया था, उसी तरीके से 3 और 6 में बताया था। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कौन सा है, तो ये आपको याद होगा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था XS3 कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 4-बिट ग्रुप दैट इज यूज्ड इन XS3 कोड इज, जो मेरा XS3 में यूज होता है वो कौन सा है। तो ठीक है, तो इसका इसके लिए हम लोग देखेंगे कि XS3 का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, क्योंकि XS3 BCD से बना होता है, तो इसकी भी रेंज होती है 0 से 9 तक। तो हम लोग सबको चेक कर लेते हैं। ये तो किसकी वैल्यू हो गई, 1 की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, 3 की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये 2 की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई, देखिए 1 2 4 8, तो ये जो मेरा है इसकी वैल्यू 14 हो गई, जो कि 0 से 9 के बीच में नहीं आती है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा इसमें से हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रे कोड इज एन, अब ग्रे कोड क्या है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें हो जाएगा कि बाइनरी वेटेड कोड, तो नहीं वो नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक कोड, तो अर्थमेटिक कोड भी नहीं है। 4 ऑप्शन है डी। अल्फा न्यूमेरिक कोड, तो नहीं ये भी नहीं है। तो मैं अभी बताती हूँ कि ग्रे कोड क्या होता है। जैसे
जैसे कि बाइनरी में कोई दिया हुआ है, बाइनरी में कोई नंबर, जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि B3 है, B2 है, B1 और B0 है, ठीक है। इसको मेरे को ग्रे में कन्वर्ट करना है, तो ग्रे में जब कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे जो MSB, इसको बोलते हैं MSB, मैंने पहले आपको बता दिया है, और इसको बोलते हैं LSB। तो MSB जो होता है वो सेम टू सेम होता है, यहाँ पे बाइनरी में तो B3, तो यहाँ पे ग्रे के लिए मैं लिखूंगी B3, ठीक है। फिर इसके इस वाले B3 और ये B2, ये दोनों को एक्सोर करते हैं, एक्सोर करके जो भी उसका आएगा रिजल्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे होती है G2। फिर उसके बाद B2 और इसके जो बगल में है इसको एक्सोर करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो G1, जो भी रिजल्ट आएगा वो G1। फिर उसी तरीके से ये आगे वाले को इसके साथ एक्सोर करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो G0, ठीक है। अब आप लोग देखो कि XOR, XOR क्या बात आया, तो XOR में बता देती हूँ। XOR ये पे ये और भी इनपुट में दे, इसका जो आउटपुट मिलता है उसकी इक्वेशन होती है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसकी आप दो कंडीशन याद रखो कि जब दोनों इनपुट जब मेरा इक्वल हो, ठीक है, जब दोनों इनपुट इक्वल होगा तो आउटपुट 0 के इक्वल होगा, तो जब दोनों इनपुट इक्वल नहीं होगा तो आउटपुट 1 के इक्वल होगा। अगर आप ये वाला याद रखते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बताऊंगी, मैंने एग्जांपल ले लिया है जैसे कि 7 है, ठीक है, 7 और 8 है। 7 को क्या लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, ये मैं बाइनरी में लिख रही हूँ, 8 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को यही 7 को मेरे को ग्रे में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं 7 को ग्रे में कन्वर्ट करती हूँ, ये है। अभी मैंने यहाँ पे ग्रे में कन्वर्ट करना बताया, एमएसबी को एज इट इज लिखते हैं, एमएसबी को 0 है तो 0। अब ये 0 और 1 का एक्सोर करते हैं, तो ये तो मेरा ए और बी इनपुट इक्वल नहीं है, यानी कि आउटपुट जो मेरा मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1, ठीक है। अब ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल है, इक्वल रहने पे आउटपुट क्या मिलता है, 0, एक्सोर करने पे ये भी 1 और ये भी 1, फिर से मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो 7 का ग्रे कोड इतना आ गया, ठीक है, ये 7 का ग्रे कोड है। अभी मैं 8 का ग्रे कोड बताती हूँ, 8 के इतना है मेरा MSB एज इट इज, फिर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, फिर ये दोनों इक्वल है तो ये 0, और ये दोनों इक्वल है तो 0। तो आप लोग दोनों में अंतर देख सकते हो कि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बाकी एक यहाँ पे जो है वो मेरा इन्वर्ट हो गया है। इसका बी ऑप्शन यही कर रहा है, कह रहा है कोड विच एक्सेबिट अ सिंगल बिट चेंज बिटवीन टू टू सक्सेसिव कोड, टू सक्सेसिव कोड के बीच मेरा 7 और 8 सक्सेसिव था और उसके बीच सिर्फ एक ही कोड का चेंजिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रे कोड वर्ड फॉर द बाइनरी नंबर, इतना बाइनरी नंबर मेरा दिया हुआ है इसका ग्रे पूछ रहा है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये कैसे लिखते हैं, एज इट इज लिखते हैं, फिर ये इसका और इसका एक्सोर करते हैं, तो जब दोनों इनपुट इक्वल नहीं रहता है तो 1 वैल्यू होती है, फिर से ये दोनों इक्वल नहीं है तो 1 वैल्यू हुआ, फिर से ये 1 है ये 0 तो फिर से 1 हुआ, ये फिर से इक्वल नहीं है तो 1 हुआ और ये 0। तो फिर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसमें मेरा दिया हुआ है कि ये नंबर दिया हुआ है ऑक्टल में इज एक्सप्रेस इन ग्रे कोड है एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मेरा बोल रहा है कि जब हम लोग इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फोर को क्या लिख सकते हैं और टू को ऐसे लिख सकते हैं, ये बाइनरी में है। फिर इसको अभी हम लोग बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एज इट इज दोनों, अब ये और इसका XOR तो वन हो जाएगा, इसका इसका वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, इसका इसका ये वन हो जाएगा, और ये इक्वल है तो जीरो। तो आप लोग देख सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 4 बिट BCD DCBA फोर न्यूमेरल 9 कैन बी डिकोडेड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय द लॉजिक ऑपरेशन। इसमें क्या है कि मेरा दिया हुआ है 9, मेरा डेसिमल में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 9 जो मेरा वो डेसिमल में दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि लॉजिक ऑपरेशन इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो 9 को हम लोग जब बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1001। ठीक है, अब आप लॉजिक ऑपरेशन में देखो, लॉजिक ऑपरेशन में जब वन होती है तो इसको हम लोग लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में ही लिखते हैं, और जीरो होती है तो उसको लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। यहाँ पे है 1001, तो इसका क्या लिखा हुआ है, इसको एक्सप्रेस करते हैं डी सी बी ए में। तो ये तो डी है तो डी ही हो जाएगा क्योंकि वन है, नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन ये सी है तो इसके इसकी वैल्यू जीरो है, तो यानी कि ये हो जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से ये बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वन है तो ए का ए रहेगा। तो इसको हम लोग अब सजा देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1। इसका पूछ रहा है कि न्यूमेरिकली इक्वल टू, तो इसके ऑप्शन दो ही इसमें मैंने लिए हैं और आगे का ऑप्शन मैं लेना भूल गई हूँ। तो इसके मैं तो इस वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर लाइक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।